हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले बेल कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी का शेयर कल के दिन कहाँ का बाय करा है, कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना, कितना सपोर्ट लेवल लेना, कितना रेजिस्टेंस लेवल लेना है, लाइक और सारी चीजें बात में ऐसी वीडियो में। सो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बेल का परफॉर्मेंस देखिए आज के दिन, सो अच्छा खासा मोमेंटम आया था। ओवरऑल देखा जाए तो अगर यहाँ पे अगर आप प्राइस अदरवाइज पकड़े, सो लाइक ओवरऑल 76 के आसपास ये जो है अपसाइड गया था देखा जाए तो। एंड इसमें अगर हम एक और चीज देखें, नोटिस करें, सो यहाँ पे अगर शेयर प्राइस का मेन अगर देखा तो इसने यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक बार सपोर्ट लिया है एंड ये अब गया यहाँ तक, वापस इसने सपोर्ट लिया है एंड ये अब ही जाने वाला, मीन्स यहाँ तक गया तो वापस इसके जाने के चांसेस ज्यादा है। ओके, एंड बहुत बार देखिए अगर आप ये लेवल जो पकड़े, यहाँ के लेवल, ये जो मैं मार्क करी मेन, ये मेन इसके सपोर्ट लेवल है। ओके, तो यहाँ से जैसे स्टॉक आता है नीचे आता है डायरेक्टली अपसाइड जो जाता है, डायरेक्टली ये यहाँ तक टच होता है, मीन्स 80 तक ये टच होता ही होता है, तो वहां तक इसके जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो कल के दिन की आप इसमें बाइंग पोजिशन अपना बना सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना भी रहेगा, अगर यहाँ का ये लेवल अगर ये तोड़ता है देन आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक छोटा मोटा कैलकुलेशन करें, सो जो लाइक फ्यूचर में ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उनको पता ही है कि जिसने भी इसमें पुट में या फिर कॉल में जिसने भी इसने बाइंग किया रहेगा, आपको तो पता है कि बेल मीन्स भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक का इसका जो लॉट साइज कितना है, इसका जो लॉट साइज 10,500 का इसका लॉट साइज। ओके, आप प्रीमियम प्राइस पर जब लेते हैं तो वो आपको देख जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, बट अगर इसमें लाइक अगर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम 1 रुपीज भी करें, सो ओवरऑल ये कितना रिटर्न दे देगा, सेम एज लाइक लॉट साइज 10,500 का रिटर्न दे देगा। ओके, चलो आपको 1 रुपए का वेट नहीं करना है, अगर ये लाइक कितना 0.25 पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट 25 पकड़े 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10,500 भी करे, सो ये कितना रिटर्न दे देगा, इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही है, 0.25 भी ऊपर गया ना ये, सो आपको 2000 की मीन 2625 का आपको रिटर्न दे देगा ये। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, छोटा स्टॉक है, लॉट से ज्यादा इसमें है इन्वेस्टमेंट, लाइक प्रीमियम प्राइस पर डिपेंड करता है कितना प्रीमियम प्राइस है, बट मैं यही कहूंगी कि थोड़ा बहुत भी इसमें अपसाइड गया तो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है इसमें ऑप्शंस में। ओके, रिस्क ज्यादा ऑप्शंस में, बट अगर प्रॉपरली अगर आपको सिग्नल दू तो कल के दिन के लिए इसमें बाइंग पोजिशन आप बना सकते हैं। ओके, सो कल के दिन के लिए आपको मैं स्पेसिफिक आपको टारगेट बता देती हूँ, मीन कहाँ बाइंग करना है, टारगेट कहाँ तक इसका दे सकते हो। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, यस आई थिंक सो पूरा जो चार्ट आपको पूरा विजिबल होगा, तो ये 1 डे पे पूरा चार्ट लगा हुआ, जिसकी प्रीवियसली आपको जो मैं फोन पे दिखा रही थी ये पूरा एक पूरा चार्ट दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें ये जो चार्ट बना हुआ मेन नवंबर से लेके अगर आप ये जनवरी तक अभी तक का देखें, तो ये जो मेन जो मैंने जोन पकड़ा है ना, ये जोन, ये मेन जोन है, यहाँ पे क्या हुआ स्टॉक जो यहाँ से नीचे भी गया है एंड यहाँ से स्टॉक अब भी गया है, तो ये मेन आपको सपोर्ट लेवल आपको लेना। ओके, सो इसलिए मैंने आपको 71.70 का आपको मैंने सपोर्ट लेवल भी दिया हुआ है, साथ में आपको रेजिस्टेंस लेवल कितना लास्ट क्लास 82 मीन्स आपका टारगेट जो रहेगा 82.45 का रहेगा। ओके, एंड आपको बाइंग पोजीशन कहाँ बनानी, 76.50 के आसपास आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। तो ये आपके तीन लेवल है, आपको बाइंग पोजीशन आपको मैंने बता दिया प्लस सपोर्ट लेवल प्लस रेजिस्टेंस लेवल। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप लाइक थोड़ा बहुत भी अगर ये स्टॉक जो है यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है एंड ये नीचे साइड जाता है तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, अगर ये स्टॉक ऊपर की साइड में ओपनिंग होता है लाइक गैप अप होता है या कुछ भी अगर होता है ऊपर साइड ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है देन आप इसमें कॉल बाय कर सकते हो, ऑप्शन मीन्स आप बाइंग पोजिशन आप इसमें बना सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सोच रहे हो, अगर ये 1 ईयर शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, बिकॉज 76 के आसपास अगर बाइंग पोजिशन बनाते हो सो लाइक थोड़ा बहुत भी क्वांटिटी में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे सो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न इसमें मिल सकता है। ओके, सो आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।